हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो अभी तक हमने तीन पार्ट देख लिया है घटनाचक्र एमसीक्यू आधुनिक भारत का। आज हम आधुनिक भारत का जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, गवर्नर जनरल, उसे सिर्फ एक सेशन में उसको देख लेते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू है वो एक जगह अलग रहे, सो दैट कि वो मिक्स मैच ना हो जाए आपके बाकी सवालों से। तो आइए इस इम्पॉर्टेंट पार्ट को हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं। एक छोटा सा वीडियो होगा, आई थिंक 8-10 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसके सारे सवाल को अच्छी तरीके से देख लें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। थैंक यू। तो आइए शुरू करते हैं। गवर्नर जनरल, पहला सवाल। 1877 के इम्पीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, G.V. जोशी। पूना सार्वजनिक सभा के गणेश वासुदेवन जोशी विक्टोरिया हॉल कलकत्ता में संपन्न 1877 के इम्पीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर गए थे। तो इनका नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, G.V. जोशी, इम्पॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर टू। बंगाल में राजस्व का इस्तमरारी बंदोबस्त यानी स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा उत्तर डी, कॉर्नवालिस। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कॉर्नवालिस ने वार्षिक लगान के स्थान पर 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की और घोषणा की गई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर इसी व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा। डायरेक्टरों की स्वीकृति मिलने के बाद 22 मार्च 1793 ईस्वी को 10 वर्षीय प्रबंध स्थायी कर दिया गया। भू राजस्व की यही व्यवस्था इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त या इंग्लिश में इसे कहें तो परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर थ्री। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? इसका उत्तर होगा डी, कॉर्नवालिस। इसकी व्याख्या तो आप ऊपर के प्रश्न में इसमें लिखा है कि देख लें, ऊपर का क्या है व्याख्या इसकी। कॉर्नवालिस ने वार्षिक ये व्याख्या देख चुके हैं हम लोग। तो आइए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसमें भी सेम वही है, उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देख लें। तो एक बार और देख लेते हैं इसको। कॉर्नवालिस ने वार्षिक स्थान लगान के स्थान पर 1790 ईस्वी में वार्षीय लगान व्यवस्था लागू की। कॉर्नवालिस अपना नाम याद रखिएगा। और 1793 ईस्वी को 10 वर्षीय प्रबंध स्थायी कर दिया गया। भू राजस्व की यही व्यवस्था को हम इस्तमरारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जाने जाते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो इसका उत्तर होगा उत्तर सी, थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो जो मद्रास के 1820 ईस्वी से 1827 ईस्वी तक गवर्नर रहे, उन्होंने कुल उपज का तीसरा भाग भूमि कर का आधार मानकर रैयतवाड़ी पद्धति को मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया। मुनरो की भूमि कर व्यवस्था लगभग 30 वर्ष तक चलती रही। क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला गवर्नर जनरल था वारन हेस्टिंग्स। इसकी व्याख्या देख लें। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स था। सातवां क्वेश्चन। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था? इसका उत्तर होगा बी, वारन हेस्टिंग्स। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं ऊपर में। तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल था जिसे बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का भी गवर्नर जनरल कन्वर्ट कर दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं। कब और किस महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का
निर्णय लिया? इसका उत्तर होगा सी, 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1835 ईस्वी में एक प्रस्ताव द्वारा अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम मान लिया। इसके तहत अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को अपनाया गया, अर्थात शिक्षा समाज के उच्च वर्गों को दी जाए, इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुँचे। इसकी व्याख्या थी। नौवा क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? इसका उत्तर होगा बी, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे को ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए शुरू की थी, और ये पहला कुछ ठाणे से मुंबई तक चला था, पहला रेलवे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच? और हाँ फ्रेंड्स, ये जो रेलवे लाइन चली थी पहली, वो बॉम्बे टू ठाणे चली थी, जो कि 32 किलोमीटर की थी, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच थी? तो इसका उत्तर होगा डी, कलकत्ता और आगरा। 1851 ईस्वी में प्रायोगिक तौर पर कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी। 1853 ईस्वी में टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता और आगरा के बीच शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से ईस्वी सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? तो इसका उत्तर होगा बी, 1853। व्याख्या आप ऊपर देख चुके हैं। 12वां क्वेश्चन, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? तो इसका उत्तर होगा उत्तर ए, सतारा। डलहौजी की राज्य अपहरण नीति से प्रभावित रियासतों का क्रम निम्नानुसार है। पहला है सतारा 1848 ईस्वी, जैतपुर दूसरा, तीसरा संभलपुर, बगहाट, उदयपुर, झांसी और फिर नागपुर। तो ये पहला और अंतिम आप याद रखेंगे, सतारा पहला और नागपुर लास्ट। 13वां क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? तो इसका उत्तर होगा डी, पंजाब। दूसरे आंग्ल सिख अठारह सिख युद्ध 1848-49 के पश्चात पंजाब का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया। 14वां क्वेश्चन, एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? तो इसका उत्तर होगा बी, डलहौजी। एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों के लिए प्रवेश को डलहौजी द्वारा संभव बनाया गया था। तो ये उसकी कुछ उदार नीतियाँ थी जो डलहौजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भारतीय का नाम, तो इनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, तथा दूसरे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जिनका चयन 1869 ईस्वी में हुआ था। तो ये पहले और दूसरे को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका उत्तर होगा उत्तर बी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? तो इसका भी उत्तर होगा उत्तर ए, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता था। इस सेवा में 1853 ईस्वी से खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा होने लगी। यह परीक्षा प्रारंभ में इंग्लैंड में होती थी, लेकिन 1923 ईस्वी में यह भारत में भी होने लगी। और इसमें भारतीयों के लिए किसने इसे ओपन किया था? तो वो थे लॉर्ड डलहौजी, जैसा कि अभी हम देखे हैं ऊपर, लॉर्ड डलहौजी ने इसे कहा गया, किसने संभव बनाया? तो इसे संभव बनाया लॉर्ड डलहौजी ने। इसमें एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में
भारतीयों के लिए प्रवेश को डलहौजी द्वारा संभव बनाया। तो इंडियंस के लिए ये खुली प्रतियोगियात्मक शुरू हुई थी लॉर्ड डलहौजी द्वारा। और यहाँ पर जो दिया है कि किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी, तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉरेन हेस्टिंग्स। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। बर्क ने हेस्टिंग्स को चूहा और नेवला, एक झूठा बैलों का ठेकेदार और अन्याय का मुखिया, कैप्टन जनरल ऑफ इन एक्यूटी इत्यादि संज्ञाओं से संबोधित किया है। तो ये इम्पॉर्टेंट व्याख्यान है। बर्क ने हेस्टिंग्स को चूहा और नेवला, एक झूठा बैलों का ठेकेदार और अन्याय का मुखिया, यानी कैप्टन जनरल ऑफ इन एक्यूटी। तो इसे भी आप याद कीजिएगा, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेसली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। सहायक संधि, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, राज्य विलय नीति, बंगाल में द्वैध शासन। इसका उत्तर होगा बी, ए का फोर लॉर्ड क्लाइव, जो कि बंगाल में द्वैध शासन। बी का लॉर्ड वेलेसली का है सहायक संधि। सी है लॉर्ड डलहौजी, उनका है तीन राज्य विलय नीति। और डी कर्जन, जो कि है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। चलिए तो लॉर्ड क्लाइव, बंगाल में द्वैध शासन, लॉर्ड वेलेसली सहायक संधि, डलहौजी राज्य विलय नीति और लॉर्ड कर्जन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत का प्रथम वायसराय था, उत्तर भी लॉर्ड कैनिंग। भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल भी था। इसी के समय में 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह हुआ था, जिसके बाद शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। इन्होंने व्यपगत सिद्धांत या राज्य विलय नीति को समाप्त कर दिया। इसके काल में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। ये पहले वायसराय थे और ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। इन्हीं के समय में 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह हुआ और उसके बाद का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार में चली गई। इन्हीं के काल में पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, आप इसको नोट कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन भारत का पहला वाइसराय था? तो अभी हमने देखा लॉर्ड कैनिंग, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वाइसराय था, उत्तर भी लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नोक्त में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? तो इसका उत्तर होगा उत्तर बी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया गया था। इसका कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी के बीच था। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो लॉर्ड डलहौजी। और इनका ये एक बहुत ही बड़ा रोल निभाया था 1857 के विद्रोह का, ये एक बड़ा कारण बना था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाया गया था। इसमें होता यह था कि अगर राजा का अपना पुत्र नहीं है तो उससे हड़प लिया जाता था और अंग्रेजी शासन के अधीन कर लिया जाता था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में। तो ये एक फलक्रम साबित हुआ, या कहिए कि एक ट्रिगर पॉइंट, जिसके कारण कि 1857 का युद्ध शुरू हुआ था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो इसका उत्तर होगा बी, लॉर्ड माउंट बेटन। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन था। लॉर्ड माउंट बेटन के शासनकाल में 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा, जो कि उस समय ब्रिटेन के पीएम थे, पीएम एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। यह 18 जुलाई को पारित हुआ था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला इंडियन गवर्नर जनरल,
थे सी राजा गोपालचारी, भारत के प्रथम भारतीय तथा अंतिम गवर्नर जनरल सी राजा गोपालचारी, जो कि 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक थे। उसके बाद प्रेसिडेंट की व्यवस्था चालू हो गई हमारे देश में। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के दूसरे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजा गोपाल चारी थे। इम्पोर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था सी राजा गोपालचारी। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि अंतिम एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजा गोपालचारी थे। सन 1798 में लॉर्ड वेलेसली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। ये क्वेश्चन नंबर 30 है। इसका उत्तर होगा बी निज़ाम हैदराबाद। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेसली के सहायक संधि को निज़ाम हैदराबाद ने स्वीकार किया था। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेसली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था, तो ये याद रखिएगा। इस सहायक संधि का प्रयोग वेलेसली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो वो होगा लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान हुई थी। इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में सर व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और डाक डाक टिकट को शुरू किया था किसने? तो लॉर्ड डलहौजी ने। टेलीग्राफ लाइन भी लॉर्ड डलहौजी के ही टाइम में शुरू हुई थी। भारत में डाक टिकट में शुरू करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी काल में 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट के तहत तीनों प्रेसिडेंसी में से एक एक महानिदेशक नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है, विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में? इसका उत्तर होगा डी कृषि सुधार। लॉर्ड कर्जन द्वारा सन 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की नियुक्त किया गया। इसी के द्वारा झेलम नहर का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया गया तथा अपर चिनाब, अपर झेलम और लोअर बारी दोआब नहरों का कार्य हाथ में लिया गया। इसी के शासनकाल में पंजाब में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1900 में पारित किया गया, जिसने कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। कर्जन के शासनकाल में शैक्षिक क्षेत्र में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 बना। पुलिस सुधारों के तहत 1902 में फ्रेजर कमीशन गठित हुआ। तो ये इसकी व्याख्या थी। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया? इसका उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के शासनकाल 1880-84 ईस्वी में सन 1881 ईस्वी में प्रथम उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 35। बंगाल के बंटवारे से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? तो इसका उत्तर होगा बी लॉर्ड कर्जन। बंगाल के बंटवारे से लॉर्ड कर्जन का संबंध था। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई तथा 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इस घोषणा के विरोध में स्वदेशी आंदोलनकारियों ने 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया। सॉरी, तो विरोध बोलिए या विरुद्ध बोलिए, बात एक ही है, लेकिन जो लिखा है उसे पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो इसका उत्तर होगा उत्तर डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। इसका
की व्याख्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी, पुरातत्व विभाग की स्थापना, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के तहत एवं द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, निम्नोक्त में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? तो इसका उत्तर होगा ए रिपन। इसकी व्याख्या है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने प्रांतीय सरकारों को ये आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चय किया जा सके कि किन किन मदों का आय व्यय स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी व्याख्या है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, जैसे कि लॉर्ड रिपन ने प्रांतीय सरकारों को ये आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें। पहला है कि 1882 से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है, तो ये आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। 39वां क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया? उत्तर ए लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई? इसका उत्तर होगा बी बम्बई या अब की मुंबई। भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 बोरीबंदर बम्बई से ठाणे तक रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी, जो कि 32 किलोमीटर की थी। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने गवर्नर जनरल से रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चंस को देख लिया। इससे इतर शायद ही दो तीन क्वेश्चन और होगा, तो वो आप देख लीजिएगा या फिर मुझे मिलेगा तो मैं उसे ले आऊँगा अगला, और कोशिश करूँगा कि उसे एक लंबा पार्ट बनाकर इस आधुनिक भारत को, भारत की एमसीक्यू को जो कि घटना चक्र का है, उसे समाप्त कर दिया जाए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।